हेलो गाइस, नमस्ते, कैसे हो आप? ठंडी बहुत हो रही है, आपकी इधर कैसी ठंडी हो रही है बताओ? मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, मैं तो अभी बिस्तर में ही लेटी हूँ क्योंकि ठंडी इतनी हो रखी है, बाहर जाने का मन ही नहीं है। एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है। अभी तो वैसे भी 2 महीने तक बहुत ठंडी रहेगी, 2 महीने की वैसे भी ठंडी रहती है। और आप लोग मेरे को सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्या हो रहा है? मैं तो ठंडी में पकौड़े वकौड़े बनाने जा रही हूँ फैमिली की। मेरे हस्बैंड की छुट्टी है संडे की, कल की भी छुट्टी रहेगी नई साल की, 2 दिन की छुट्टी है, तो बोल रहे हैं पकौड़े वकौड़े बनाने की, सुबह सुबह का टाइम है तो सोचा आज पकौड़े वकौड़े बना लूँ आलू के। और गाइस, एक खुशखबरी, वो तो मैं पहले भी मैसेज कर दी हूँ वीडियो पे आप लोगों को, वीडियो भी छोड़ी हूँ शायद आप लोगों को देखे होंगे। खुशखबरी क्या है वो तो आप लोग देख रखे हो, लेकिन फिर भी मैं अभी नहीं बता रही हूँ, बताऊँगी कुछ दिन रुक के। पकौड़ियों की तैयारी हो रही है, मैं बैठ के चीज़ खा रही हूँ। ये देखो मेरे हस्बैंड ने ला के दिए मेरे को, मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं, प्याज काट रहे हैं, क्योंकि मेरे को प्याज काटते समय रोना आता है, प्याज रोवाती है मेरे को, इसलिए प्याज काटने के लिए बोला है, बेचारे काट रहे हैं। जल्दी जल्दी काट लो प्याज, काट तो रहा हूँ, ये तुमने पन्नी में रख रखी है, पता है कैसी होगी? सही है, गीली गीली सी लग रही है। बनाऊंगी तो मैं खाली प्याज ही कटवा रही हूँ, कुछ नहीं। चीज खानी? नहीं तुम खा दो। मैं तो यूट्यूब पे पूछ रही हूँ किसी को चीज खानी है। इधर घूमो, मैं दिखाऊँ, देखो प्याज कैसी कटती है, ये देखो। अब ये कुछ किया नहीं है, सब फैलावा फैला है, पहले पकौड़े वकौड़े बना के हाँ पी के उसके बाद काम करेंगे। अभी तो सिर्फ प्याज व्याज कट रही है, फिर बनाते हैं चाय, बनाएंगे ठंडी में, और ठंडी में चाय पकौड़े खाओ, वही अच्छा लगता है। और उसी पे वीडियो डालो। अब तुम सोच रहे हो गेम खेलोगे, आज तुम्हें ये गेम अच्छा लग रहा है, थोड़े दिन बाद कोई और गेम आएगा, फिर तुम उसमें डालोगे, ऐसे करके तुम्हारा कोई फिक्स गेम नहीं रहेगा। तो बोला कि कुछ ऐसी वीडियो डालो जिसमें तुम्हारा सेम कंटेंट रहे, कि वो कभी चेंज ही ना हो, तब तो तुम उसके लिए जाने जाओगे हैं। जैसे कि वो शायरी वालों ना, वो लड़का, और वो शायरी बनाते हो खाली, तो शायरी के लिए वो अंशु नाम से वो कुछ,